संते आगमन पहला बोले ओ सोए जित मौले सब मौलिए तिसे ही न मौले ओ कोए पुली बसंत चढ़े पुली बसंत बनस्पत मौली चढ़िया बसंत एहो बन मौलिया सतगुर संग इन बेत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अज असी हजूर साहब के दर्शनों के आए हुए हैं सब परिवार समेत, तो गुरद्वारा माल टेकड़ी साहब विखे दर्शन कर रहे हैं करवा रहे हैं, तो नाल दी नाल असी बाबा जी को पुछदे हैं इतों का इतिहास की जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा जी इत्थे दा की इतिहास है जी, हलो माइक ते दस्सो सानूं समझ पायो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस स्थान दा नाम जी गुरद्वारा माल टेकड़ी साहब, गुरु महाराज दे खजाने दी थां। इस थां तों दसवें पातशाह जी ने गुरु नानक देव जी दे वेले दा दबिया गुप्त खजाना पट के गुरद्वारा संगत साहब जिहड़ा शहर च ते दर्शन कीता होना या करोगे, उत्थे लिजा के अपने फौजां नूं वंडिया खजाना, तनखावां दित्तियां, जिहड़ी फौज उन्हां दे नाल पंजाब तो दक्खण चाई सी ते वापस मुड़ जाना सी, उस फौज विच इत्थे दा गुप्त खजाना ढालां भर भर के वंडिया, तनखावां दित्तियां, जिहड़ी फौज पंजाब वापस जाण वाली सी उस फौज विच ओ ढाल संगत साहब रखी है जिहदे नाल वंडिया। वंड के जिहड़ा बचिया खजाना ओ लिया फिर इत्थे ही दाबता। दबण तो बाद कहा समा आएगा मेरा खालसा 96 करोड़ होएगा। तद सिंघो ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਗੇ। 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸੇ ਇੱਥੇ 5 ਵਾਰੀ 2.5 ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਛਕਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸਿੰਘੋ ਮਾਲ ਟੇਕਰੀ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਥਾਂ। ਮਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਟੇਕਰੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।